हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी होंगी। तो हम स्टेट प्रोफाइल कर रहे हैं, तो आज हम पहुंचे हैं तेलंगाना। आज हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। मेरा नाम है मोहित रांटा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा लेटेस्ट बना हुआ जो 29वां राज्य है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कोई भी राज्य अगर वो दो भागों में बंट जाता है तो वहां पर जो इकोनॉमी है वहां पर फर्क पड़ता है। उसमें जो नया बना हुआ राज्य है या वहां इकोनॉमी स्लो हो जाती है या जो पुराना बच गया राज्य होता है वहां इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा पिछले दिनों न्यूज में भी, यहां पर बहुत चला। गवर्नमेंट है वहां की, वो एक स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही थी क्योंकि वो उनकी जो इकोनॉमी है इस पर फर्क पड़ा है एक नया राज्य बनने की वजह से। तो इसके बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको ये रिविजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस राज्य के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत में यहां पर ये जो राज्य आता है ये है तेलंगाना। ये है आंध्र प्रदेश, इससे ये अलग हुआ है। अब यहां देखेंगे आप, बॉर्डर जो है ये अपनी शेयर करता है आंध्र प्रदेश के साथ, यहां पर बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा के साथ, यहां पर बॉर्डर शेयर करता है ये छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर ये यहां पर शेयर करता है कर्नाटक के साथ। ये सारी जो स्टेट्स हैं इनके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है तेलंगाना का मैप, ये तेलंगाना का जूम्ड मैप है। यहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट थी जब ये नया जो स्टेट है, जब ये नया स्टेट बना तो यहां पर 10 डिस्ट्रिक्ट थी। एक थी आदिलाबाद, दूसरी थी निजामबाद, तीसरी थी करीमनगर, फिर थी आपकी मेधक, अगला था आपका वरंगल, फिर था खामम, और ये है आपका नालगोंडा, और ये है रंगारेड्डी, फिर आता है आपका महबूबनगर। तो ये सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी, ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट थी इनको मिलाकर बनाया गया तेलंगाना। तो इसके बारे में देखिए, इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ का जो एम्बलम है वो है काकातिया काला थोरनम चार मीनार, ये यहाँ का स्टेट एम्बलम है। स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु और उर्दू यहाँ की लैंग्वेज है। सॉन्ग की बात करें तो जो स्टेट सॉन्ग है यहाँ का वो है जय जय हे तेलंगाना जननी जय खेतनम। ये एनिमल की बात करें तो स्पॉटेड डियर यहाँ का स्टेट एनिमल है। बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर यहाँ का स्टेट बर्ड है। फ्लावर की बात करें तो सेना औरिकलता ये यहाँ का फ्लावर है। फ्रूट की बात करें तो मैंगो यहाँ का फ्रूट है। ट्री की बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरिया ये यहाँ का ट्री है। रिवर्स की बात करें तो कृष्णा गोदावरी कृष्णा रिवर, फिर आता है आपका मंजीरा रिवर और मुंसी रिवर, ये यहाँ की रिवर्स है। स्पोर्ट्स की बात करें तो कबड्डी बल है। नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी स्टेट प्रोफाइल में। ये देखिए, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये लेटेस्ट हुआ है 2 जून 2014 को। ये यहाँ की 29वीं स्टेट बनी है इंडिया की। कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है वो है हैदराबाद, और यहाँ पर अब टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। जब ये बना था तो यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट थी, उसके बाद 10 नई डिस्ट्रिक्ट बनी है और मैप कुछ इस तरह का हो गया है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 31। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के गवर्नर है ESL नरसिम्हा, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव जो कि TRS के हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो ये अगला स्टेट है जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर 119 जो है ये लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की 43 सीट्स है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 17 यहाँ पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट जो यहाँ का है वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के एरिया की बात करें, जो टोटल एरिया है यहाँ का वो है 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर, ये यहां का एरिया है। और एरिया रैंक की बात करें तो 12वां यहां का एरिया रैंक है। पॉपुलेशन की बात करें तो जो टोटल पॉपुलेशन है यहां की ये है 3,51,93,978, और रैंक की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज रैंक है 12वां। डेंसिटी की बात करें तो 307 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहां की डेंसिटी है। डिमोनीज जो यहां के हैं वो है तेलंगानी, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 66.46 यहां का परसेंट यहां का लिटरेसी रेट है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु उर्दू यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहां पर देखिए, ये जो तेलंगाना है इसके नाम के बारे
बारे में माना जाता है कि त्रिलिंगा देशा के नाम से इसे जाना जाता था एंशियंट टाइम पे, जिसका नाम होता है लैंड ऑफ थ्री लिंगाज, वो है कालेश्वरम और सरीसेलम और द्राक्षरणमा, ये तीन जो है ये तीन यहाँ पर शिवलिंग्स थे जिनकी वजह से इसका नाम ये पड़ा माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट है ये 12th लार्जेस्ट स्टेट बना है बाय एरिया और 12th ही मोस्ट पॉपुलर स्टेट बना है इंडिया का, 12वें नंबर पर आ गया है ये जैसे ही स्टेट बना है। 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इंडिया का 29वां स्टेट है, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो न्यू सिटीज है इसकी ये है वारंगला और नेक्स्ट है आपका निजामदाबाद, फिर है आपका खामम और फिर आता है आपका करीमनगर, ये सारी जो है ये इसकी डिस्ट्रिक्ट्स है। नेक्स्ट अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं एंशियंट टाइम से, अगर इसकी बात करें तो ये जो रीजन रहा है ये एक दक्कन एरिया में ये रहा है, दक्कन प्लेटू में ये रीजन रहा है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे एम्परर्स आए, एम्पायर आए, उनमें सबसे पहले आया मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर सम्राट अशोक, आपने पता है आपको सम्राट अशोक का, इन्होंने पूरे देश पर कब्जा किया था, लगभग पूरे देश पर। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो मौर्य एम्पायर का रहा था 320 BC से लेकर 180 BC तक। इसके बाद आते हैं सातवाहना, इनके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनका जो टाइम पीरियड रहा ये 180 BC से लेकर 220 CE तक रहा। इसके बाद आता है वकटक डायनेस्टी, जिनका टाइम ओवर जो टर्नओवर रहता है वो रहता है आपका 250 CE से लेकर 500 CE तक। इसके बाद चालुक्य डायनेस्टी आता है जो कि 543 CE से 753 CE तक है। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो कि 753 से लेकर 982 CE तक रहता है। अब इसके बाद आता है ककटिया डायनेस्टी जो कि 1083 से लेकर 1332 CE तक रहता है। फिर आता है आपका मसुनुरी नायक, ये आपके 1326 से लेकर रहते हैं 1356 तक। दिल्ली सल्तनत इसके बाद आता है और बहामनी सल्तनत आता है, ये दोनों रहते हैं 1347 से लेकर 1512 तक। अब विजयनगर एम्पायर आता है, ये 1326 से लेकर 1646 तक रहता है। फिर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक एम्पायर आता है, ये कुतुबशाही डायनेस्टी, ये 1512 से लेकर 1687 तक रहती है। मुगल एम्पायर 1687 से 1724 तक रहता है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट आता है, ये असफ जाही डायनेस्टी जो होती है ये आती है 1724 से लेकर 1948 तक। नेक्स्ट देखिए ये जो अंपायर है ये थ्रू आउट द मिडल एजेस में बात करें तो ये देखिए मौर्यन, सातवाहना, चालुक्याज, ककतियाज, दिल्ली सल्तनत, बहामनी सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत इनके अधीन रहा था। और 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करें तो इस समय ये जो रीजन है ये मुगल्स के अधीन रहा। इसके बाद यहां की जो लैंग्वेज है, आपने हैदराबादी लैंग्वेज सुनी होगी, तो ये रीजन है इसे जाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब के नाम से। और जो 18वीं सेंचुरी की बात करें तो तब ब्रिटिश राज यहां पर हो गया था और यहां पर जो तेलंगाना है ये रूल किया जाता था निजाम ऑफ हैदराबाद। ये जो निजाम होते थे ये मुस्लिम जो रूलर थे यहाँ के उन्हें कहा जाता था निजाम, तो ये निजाम हैदराबाद के थे, इनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। 1823 में क्या हुआ, ये जो निजाम है ये यहाँ का जो नॉर्थन सिरसा है ये यहाँ से हार गए। किससे हारे, ईस्टर्न इंडिया से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे ये हारे और जिसकी वजह से इनको इनके साथ ट्रीटी करनी पड़ी और यहाँ का जो इनके जो रीजन थे इनको ये अंग्रेजों को देने पड़े। अब देखिए ये जो कुतुब शाही और असफ जाही था इसके बारे में बात करते हैं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट किला था जिसका कहा जाता था गोलकोंडा फोर्ट। जो ये गोलकोंडा फोर्ट था यहां पर देखिए ये एरिया अंडर था किसके, दिल्ली सल्तनत के, कब, 14वीं सेंचुरी तक। इसके बाद यहां पर आए बहामनी सल्तनत, बहामनी सल्तनत ने एक क्या कह सकते हैं एक गवर्नर यहां पर इन्होंने एक गवर्नर गोलकोंडा जो रीजन था यहां पर एक गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम था कुली कुतुब मुल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुली कुतुब मुल्क जो था ये गवर्नर अपॉइंट किया किसने, बहामनी सल्तनत ने। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इसने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट बहामनी सल्तनत और यहां पर एस्टेब्लिश की अपनी एक डायनेस्टी जिसको कहा गया कुतुब शाही डायनेस्टी, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कुतुब शाही डायनेस्टी है ये 1518 में इस बंदे ने एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद क्या हुआ, 21 सितंबर 1687 को क्या हुआ, जो गोलकोंडा सल्तनत है ये चले गई फिर से मुगल एम्परर के अधीन, जो कि मुगल एम्परर उस समय था उसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब के अधीन ये चली गई और ये काफी समय तक उसके अधीन रही। यहां का जो गोलकोंडा फोर्ट था ये भी चला गया मुगल एम्परर के अधीन जो कि औरंगजेब था। अब देखिए 1712 में क्या हुआ, दक्कन का एक एम्परर रहा जिसका नाम था फारूख सियार। फारूख सियार ये जो एम्परर था इसने क्या किया, इसने एक वायसराय दक्कन का अपॉइंट किया, इसका नाम था
कुमार उद्दीन खान जो था, इसको यहाँ का वाइस रॉय दक्कन का इसको इसने अपॉइंट किया और इसको एक टाइटल भी दे दिया जो टाइटल था निजाम उल मुल्क, जो आगे जाके निजाम ऑफ हैदराबाद बने। तो निजाम उल मुल्क इसको टाइटल दे दिया, जिसका मतलब होता था एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द रियल्म, ये इसका मतलब होता था। बाद में क्या हुआ, इसको वापस दिल्ली बुलाया गया और इसके साथ एक और बंदे को बुलाया गया जिसका नाम था मुबारिज खान अपॉइंट, इन दोनों को वाइस रॉय अपॉइंट किया गया सेम जगह का। अब 1724 में इन दोनों का युद्ध हुआ आपस में, जो कुमारुद्दीन खान था और मुबारक खान था। यहां पर जो कुमारुद्दीन खान था इसने मुबारक खान को हरा दिया और डेक्कन सूबा जो है इसको अपने अधीन ले लिया और ये मुगल अंपायर में इसको मिला दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसने एक नाम लिया जिसका नाम बना आसिफ जाह। ये जो आसिफ जाह है इसके नाम से ही डायनेस्टी बनी, आसिफ जाह डायनेस्टी। और जो हैदराबाद का रीजन था इसे इसने रखा, इस एरिया का नाम रखा हैदराबाद डेक्कन, इसका इसने नाम रखा। अब देखिए जो सब्सिक्वेंट रूलर्स थे यहाँ पर, इन्होंने भी नाम रखा अपना निजाम उल मुल्क ही इसका नाम रखा। और जो ये यहाँ के जो जितने भी वासी थे इन्होंने भी अपने आप को निजाम कहलाना शुरू कर दिया, जिसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रीजन थे, मेदक और वारंगला, ये जो डिवीजन थी ये भी यहाँ तेलंगाना जो राज्य था इसका हिस्सा बन गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये आसिफ जाह वन जो था ये मारा गया 1748 में, ये मर गया। उसके बाद क्या है, यहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो थोड़ी अनरेस्ट हो गई। यहाँ पर जो इसके सन्स थे वो थ्रोन के लिए लड़ने लग गए और आस पड़ोस के जो राज्य थे उनको मौका मिल गया यहाँ पर अधिकार करने का, आक्रमण करने का। और जो कॉलोनियल रूल थे आपको पता है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और साथ ही साथ फ्रेंच, इतनी सारी जो कॉलोनीज थी इनको भी मौका मिल गया कि यहाँ का जो राजा है वो मारा गया है और यहाँ पर हम रूल कर सकते हैं, इनको एक अच्छा मौका मिल गया। फिर क्या हुआ, 1769 में क्या हुआ, जो हैदराबाद सिटी है ये बन गई कैपिटल ऑफ द निजाम, निजाम की कैपिटल बन गई। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया निजाम के दो ये थे, नासिर उल दवा और ये था असफ जाह फोर, ये जो थे इन दोनों को अलायंस करना पड़ा, संधि करनी पड़ी ब्रिटिशर्स के साथ 1799 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑल ओवर इंडिया पर राज कर रहे थे। तो इनके साथ जैसे ही इन्होंने इनके साथ संधि की तो ये जो स्टेट थी ये बन गई प्रिंसली स्टेट, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये एक स्टेट बन गई, तो प्रोविंस बन गई। इसके बाद ये इसको इंक्लूड करा गया मद्रास प्रेसिडेंसी में। जब इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में इंक्लूड किया गया तो ये रही मद्रास प्रेसिडेंसी में ही ये रही 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो क्या था, एक क्या कह सकते हैं, जो मद्रास स्टेट है यहां पर जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको बनाया गया इंडिया की मद्रास स्टेट। अब जो हैदराबाद था यहां का जो रूलर था वो था मुस्लिम, वो नहीं मिलना चाहता था, वो अपनी स्टेट को एक फ्री स्टेट रखना चाहता था और या तो इसे पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहता था। तो बीच में था क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच, तो इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस भी थी और जो यहां के लोग थे किसान थे वो चाहते थे इंडियन यूनियन में मिलना। तो यहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया और वहां पर मोर्चा संभाला हमारी भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने यहां पर आक्रमण किया और 1948 में इसको आक्रमण करके और इसको मिला दिया इंडियन यूनियन में। अब इसको जब इंडियन यूनियन में मिलाया गया तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और तेलंगाना वाले थे, अब यहां पर बाइलिंगुअल हो गया फिर से, जैसे गुजरात और राज्य महाराष्ट्र का था वैसे ही यहां पर बातें हो गई 1956 में जो है यहां पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक राज्य बनाया गया। जो तेलंगाना है उसको तेलुगु स्पीकिंग थे ये, इनको मिलाया गया आंध्रा स्टेट में। अब आंध्रा स्टेट में मिलाकर मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी पुराने समय की उसमें था तेलंगाना, तो इसको अब मिलाया गया नए सिरे से आंध्रा स्टेट में और बनाया गया आंध्र प्रदेश। तो इनको आंध्र प्रदेश में मिलाया, जो कि इनको रास नहीं आया क्योंकि तेलंगाना वाले जो थे ये एक अलग स्टेट चाहते थे। तो यहां पर जो किसानों का मूवमेंट चला हुआ था, जो विद्रोह चला हुआ था 1950 से ही लेकर तो तेलंगाना के लिए, ये इनका मूवमेंट यूं ही चलता रहा और ये स्ट्रगल करते रहे एक नए स्टेट की मांग करते रहे। तो बाद में जाकर जब 2 जून 2014 को जो इनकी ये मेहनत थी, जो इनकी मांग थी, ये रंग लाई और इनको एक नया स्टेट मिल गया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। तो ये बना 29वां स्टेट तेलंगाना। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिनमें मैं इकॉनमी की बात करूंगा। अब तेलंगाना की जो इकॉनमी है वो 8th लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया की। जैसे कि मैंने आपको बताया जब दो स्टेट अलग होते हैं एक की कम रह जाती है एक की बढ़ जाती है, क्योंकि जो कैपिटल सिटी है वो हैदराबाद थी, वो आ गई तेलंगाना के हक में। अब जो नीचे का जो रीजन रह गया ये आपका आंध्र प्रदेश था, ये
लगता है बे ऑफ बंगाल के साथ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शहर थे वो चले गए किसमें, तेलंगाना में। इस वजह से ये मांग कर रहे थे एक स्पेशल स्टेटस की। अब जो मेजर फोकस था इनका तेलंगाना का वो रह गया था आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पे। इन्होंने इस पर काम किया जिसकी वजह से ये एट्थ इकोनॉमी बने। ठीक है, अब ये एट्थ इकोनॉमी है तो यहां पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है बहुत सारे, इंडियन डिफेंस के है और एरोस्पेस के भी है, लैब्स है यहां पर बहुत सारी, कहां पर, हैदराबाद में, जिनमें कौन कौन सी प्रमुख है देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है यहां पर, डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है यहां पर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ये भी है यहां पर। तो इसके साथ साथ ही यहां पर क्या है, कल्चरल हार्ट ऑफ तेलंगाना क्या है, यहां पर बहुत सारे कल्चरल हब्स भी है, जिनमें कि हैदराबाद का जो ये वरंगल डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, और बहुत सारी इसकी पूरी जो स्टेट है यहां पर, जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स है, टेंपल्स है, उनमें यहां पर देखिए सबसे पहला है चार मीनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद का, आपको पता ही होगा। कुतुब शाही टॉम्ब है यहां पर, पैगा टॉम्ब है, फिर आपका फलक कुंभा पैलेस है यहां पर, चवामल्ला पैलेस है, वरंगल फोर्ट है यहां पर, ककटिया कला थोरनम है यहां पर, थाउजेंड पिलर टेंपल है यहां पर, और साथ ही साथ यहां पर है बोंगीर फोर्ट, और यहां पर यदादारी भुवनागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी ये प्रनंस मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये भी है यहाँ पर जो कि यहाँ की टूरिज्म को एज वेल एज इसे सेंटर बनाता है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है। अब हिस्टोरिक सिटी गोलकोंडा जो है ये भी इन्हीं के अधीन है, जो कि बनी थी ककटिया रीन के समय में। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ककटिया रीन है वॉज वंस नोन फॉर द माइंस के लिए जाना जाता था, और प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस जेम्स, ये होता है ज्वेलरी जो आप कह सकते हैं, या मणियां हीरे जवाहरात जो ये है, ये यहां पर इसके लिए जाना जाता है गोलकोंडा रीजन। तो यहां पर क्या क्या इंक्लूड है इनमें, ये है कोहिनूर, ठीक है, होप डायमंड है, डायरी नूर है, रीजन डायमंड है, नासक डायमंड है, और नूर उल एन है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये भी यहां पर मिलती है गोलकोंडा रीजन में। अब रिलीजियस जो एडिफ्स है यहां के, उनमें है लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, अगला है ये आपका यादारी जो भुवनेश्वरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये यहाँ पर ये टेम्पल है, फिर आता है आपका मक्का मस्जिद भी है यहाँ पर, जो कि हैदराबाद में है, जो कि बहुत फेमस है हैदराबाद की। इसी के साथ मेदक कैथेड्रल भी है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे और भी वर्शिप के केंद्र है। अब बात करें अगर ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में रिवर की बात करते हैं, यहाँ देखिए दो मेजर रिवर है, गोदावरी जो है उसका 70% जो पानी है वो तेलंगाना में रहता है, कैचमेंट एरिया जो है इसका वो तेलंगाना में है। कृष्णा रिवर दूसरी है, 69% जो रीजन है वो यहां पर तेलंगाना में है। फिर भी यहां का जो मोस्ट ऑफ लैंड है वो एरिड है, मतलब कि शुष्क है इसके साथ साथ। और यहां पर बहुत सारी और मेजर रिवर्स भी है, उनमें भीमा है, मनेर है, मंजीरा है, और मुशी है, ये यहां की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, यहां पर नेशनल पार्क है, तीन नेशनल पार्क, जिनमें की सबसे पहला है कसु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क जो कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा है महावीर हरिणा वसंती नेशनल पार्क, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मगुवनी नेशनल पार्क जो है ये है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है बहुत सारी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इटुरू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरी है केवाल टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, ठीक है, और साथ ही साथ है प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पर है। इसी के साथ साथ यहां पर देखेंगे आप मजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है, मेदक डिस्ट्रिक्ट में है, फिर है नागार्जुना सागर श्री सलम रिवर्स टाइगर रिजर्व जो है ये भी यहाँ पर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर है मबूमनकर डिस्ट्रिक्ट में ये है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये है आपका पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मेधक और निजाम डिस्ट्रिक्ट में है, लास्ट यहाँ पर जो है वो है शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट में है। सो गाइस ये सारा था हमारा तेलंगाना के बारे में, इसमें हमने बात की तेलंगाना की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो जिससे ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की बातें में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो हिस्ट्री है वो लगभग सेम है, क्योंकि इसको जो तेलंगाना रीजन था ये मिलाया गया था इसमें, तो ये डिमांड कर रहे थे एक नई स्टेट की, इसके बारे में हमने बात की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई कमी लगी हो तो कृपया करके कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से अपना ख्याल रखें, तैयारियां बिल्कुल अपनी तैयारियां पीक पर रखें। आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें,
चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।